वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे थे नॉनस्टॉप 100। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब खबरें दिखाते हैं आपको विस्तार से। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने दूसरी बाधा भी पार कर ली है। कांग्रेस के नाना पटोले निर्विरोध स्पीकर चुने गए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया और स्पीकर का रास्ता आसान हो गया। उधर देवेंद्र फडणवीस को नेता विपक्ष चुन लिया गया है। उद्धव ने देवेंद्र फडणवीस को भाई बताया और सहयोग से आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन ये भी साफ है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की राह में कांटे बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। उद्धव ठाकरे ने आज हिंदुत्व की भी बात कही। कहा कि उनके लिए हिंदुत्व का मतलब अपने वायदे पर कायम रहना, जुबान पर राम का नाम और वादा खिलाफी उनकी नीति नहीं है। देवेंद्र जी, गेल्या 5 वर्ष आम्ही तुमच्याकडून खूप काही शिकलेलो आहोत आणि मी मनापासून बोलतोय, तुम्ही तुमची आणि माझी मैत्री मी कधी लपवलेली नाही। ती ना कुठल्या खासगी बैठकीत लपवली, ना मैदानात लपवली, ना ती मी या सभागृहात लपवते। तुमची माझी मैत्री आहे आणि त्या मैत्रीत कधी अंतर पडणार नाही। पण तुम्ही मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आम्ही विरोधी पक्षात होतो, त्याही वेळेला आपली युती नव्हती, तेव्हाही आम्ही आमचा जो काही हिंदुत्व होतच ना, आम्ही आजही आहोत, कालही होतो, उद्याही राहू आम्ही। पण त्या हिंदुत्वामध्ये दिलेला शब्द पाळणं हे सुद्धा माझं हिंदुत्व आहे, जय श्रीराम म्हणायचं आणि दिलेलं वचन तोडायचं हे माझं हिंदुत्व नाही। आज अच्छी बात यह रही कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस दोनों अच्छे मूड में दिखे। उद्धव ने फडणवीस से सहयोग के साथ आगे बढ़ने की चाहत दिखाई तो फडणवीस ने भी शायराना अंदाज दिखाया। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। आप देख रहे हैं आज तक। लगातार महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे। उधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, आप जानते ही होंगे अधीर रंजन की जुबान अक्सर सीमा लांघ जाती है, आज फिर अधीर रंजन ने लक्ष्मण रेखा तोड़ दी। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित बयान उनकी ओर से दिया गया है, देखिए। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब हिंदुस्तान की आर्थिक वृद्धि औसतन 8.3% रहा करते। हम जब सत्ता छोड़े तब औसतन हमारा आर्थिक वृद्धि 8.3%, आज गिरते गिरते वो आ गए 4.5%। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का दोष कहाँ है हिंदुस्तान की। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।